हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि आई एम डूइंग ऑनलाइन एमबीए फ्रॉम डीवाई पाटिल पुणे। सो पुणे से हम कर रहे हैं ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम, एंड इस चीज के बारे में हम आप सबके साथ शेयर किए थे एक वीडियो में, जिसमें हम डिटेल रिव्यू भी किए थे उसका, उसके एक्रेडिटेशन के बारे में बात किए थे, उसके रैंकिंग के बारे में बात किए थे और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात किए थे। और उस पर मुझे भर भर के ढेर सारा कॉमेंट आया है, क्योंकि लोगों को बहुत सारा स्टिल अभी भी डाउट है डीवाई पाटिल को लेके, तो उसी के ऊपर हम आज वीडियो लेके आए हैं। तो जो जितने सारे डाउट्स हैं उन सारे को तो हम नहीं क्लियर कर पाएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, लेकिन हम अभी और भी बहुत सारा वीडियोस लाने वाले हैं बैक टू बैक, जिसमें आप लोगों को जो भी डाउट्स है वो सारा क्लियर हो जाएगा। एंड स्टिल अगर कोई डाउट होगा तो भी आप लोग कमेंट में, जैसे मैंने मुझे पहले वाले वीडियो में मैसेज किया, वैसे आप लोग इसमें भी कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो और उसके सारे डाउट्स को हम आप लोगों को क्लियर कर देंगे। तो फिलहाल आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ कि ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम में जो डीवाई पाटिल का है उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उसका कोर्स फी है, क्या उसका लोन प्रोसीजर है, एंड एट लास्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो सैम्पल सर्टिफिकेट है वो कैसा होगा इसका, क्या उसमें ऑनलाइन मेंशनड होगा या नहीं मेंशनड होगा, ये सारा चीज हम आप सबके साथ डिस्कस करेंगे। एंड यस, एट द लास्ट हम आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो डीवाई पाटिल के ऊपर कौन सा आने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए एंड आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू ऑल दीज फोर थिंग्स, ठीक है। क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, सिंस हम इसमें एनरोल किए हैं तो हम खुद भी इसके ऊपर बहुत रिसर्च किए हैं, एंड आप सबको भी हम जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो सारा बिल्कुल ऑथेंटिक और रिसर्च किया हुआ इन्फॉर्मेशन है और मेरा खुद के एक्सपीरियंस से इन्फॉर्मेशन है। तो फिलहाल चलिए जल्दी से शुरू करते हैं एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो। सो इसका पहला जो पॉइंट है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो कंडीशन है वो ये है कि ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। कोई फर्जी आप ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दे दोगे तो उसमें नहीं होगा, एंड साथ ही साथ उसमें आप कोई भी प्रोग्राम करो, चाहे वो बीबीए हो, बीसीए हो, बीटेक हो, कोई भी प्रोग्राम हो जो कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर 3 साल का 4 साल का जो कोर्स ड्यूरेशन होता है उसका प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट कि ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सेकंड ये है कि मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल ग्रेजुएशन का, एंड फॉर जनरल कैटेगरी, एंड 45% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन का फॉर रिजर्व कैटेगरी। तो जनरल की बात अगर करें तो जो एग्रीगेट मार्क्स होता है, तो सबसे पहले उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एग्रीगेट मार्क्स का मतलब कि भले आप 3 साल का प्रोग्राम कर रहे हो लाइक बीसीए बीबीए एंड ऑल, या फिर आप 4 साल का प्रोग्राम कर रहे हो लाइक बीटेक, तो उन सब में जो भी आपका ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है उसका 4 साल या 3 साल जो भी आपका डिग्री है उसके अकॉर्डिंग आपका जो पूरे सेमेस्टर का रहेगा, अगर 3 इयर्स का है तो 6 सेमेस्टर होते हैं 3 साल में, तो 6 सेमेस्टर्स के आपके टोटल सारे सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स मिला के 50% होने चाहिए, ओके। एंड अगर हम 4 साल के एक प्रोग्राम कोर्स का बात करें तो 4 साल में आपके 8 सेमेस्टर्स होते हैं, तो उसके हिसाब से आपका जो टोटल एग्रीगेट होना चाहिए वो सारे सब्जेक्ट का मिला के 8 सेमेस्टर में आपका 50% होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी। क्लियर हो चुका ये वाला पॉइंट। अब नेक्स्ट आते हैं रिजर्व के ऊपर, तो सेम रिजर्व के साथ भी एप्लीकेबल है, बस उसमें डिफरेंस ये हो जाता है कि उनको सिर्फ 45% चाहिए होता है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो ये 2 पॉइंट उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कि इस वीडियो में अभी ये पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो इसका है वो है कोर्स फी, जो कि बहुत लोगों ने मुझे कमेंट पे पूछा था कि इसका कोर्स फी क्या है। सो मैंने जब एनरोल किया था तो मैंने इसमें एनरोल किया था जनवरी मिड में, ठीक है, जनवरी मिड में मैंने एनरोल किया था, एंड मेरा जो सेशन है वो है 2024 से लेकर 2026 का। जो कोर्स फी मुझे लगा है वो मैं पूरा आपको लिस्ट भेज दूंगी, जो भी एक प्रॉपर ऑथेंटिक जो लिस्ट है कि कैसे कैसे बटा है सेमेस्टर वाइज वो पूरा भेज दूंगी। तो जो मुझे टोटल कोर्स फी लगा है वो लगा है 1,40,200, 2 साल का ये मुझे लगा है, ठीक है, 1,40,200, जिसका कि फर्स्ट सेमेस्टर का 40,000 है, सेकेंड सेमेस्टर का 40,000 है, थर्ड सेमेस्टर का 40,000 है, एंड नेक्स्ट सेमेस्टर का है मेरा 20,200 रुपीज, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो ब्रेकअप है वो मेंशन है, यहाँ पे आपको फोटो में भी दिख जाएगा कि किस तरीके से वो मेंशन है। तो
यहाँ पे आपका क्या है कि जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में एनरोल करते हो तो ओरिएंटेशन के पहले आपको पूरा फुल पेमेंट करना होता है। लाइक सबसे स्टार्टिंग में आपको 5000 रुपीज दे के अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। तो वो जो 5000 होगा ना, वो आपको अलग से नहीं देना है। लाइक ये डाउट भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि जो 1,40,200 है वो टोटल अमाउंट है 2 ईयर्स का, जिसमें से आप अगर 5000 दे देते हो अपने रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपके लिए बच जाता है सिर्फ 1,35,200। ठीक है, तो आपको फिर 1,35,200 पे करना है। वो जो 5000 है वो आपको क्या, आपको 1,45,200 नहीं हो जाएगा। पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लिए, उसके एक हफ्ते दो हफ्ते तक आप को टाइम मिलता है जिसमें आप टाइम लो और बाकी के 35,000 आप पे कर दो, और उसके बाद आपका जो पूरा सेमेस्टर है वो डन है। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर जब स्टार्ट होगा तो फिर आपको लाइक अलग से जो 40,000 आपका सेमेस्टर टू का है वो पे करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका पेमेंट का जो प्रोसीजर है वो चलता है। अब बहुत लोगों को ये डाउट है कि क्या इसमें लोन मिलता है, ईएमआई मिलता है। सो जो हमारा थर्ड पॉइंट इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो यही है कि व्हाट आर द लोन एंड ईएमआई प्रोसीजर्स। आप लोग बिल्कुल लोन ले सकते हो, तो इसका भी सारा जो प्रोसीजर है वो हम आप सबके साथ शेयर करते हैं। सो स्क्रीन पे आप लोगों को एक पूरा लिस्ट दिख रहा होगा जहां पे एमबीए प्रोग्राम और बीबीए प्रोग्राम का लोन प्रोसीजर का दिया हुआ है। तो ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स है जिसके लोन प्रोसीजर में कैसे ईएमआई लगेगा, इंस्टॉलमेंट्स एंड ये सब कुछ आपका मेंशनड है। तो देखिए, जैसे अगर हम बात करें फुल फीस की, तो फुल फीस जो है वो 1,40,200 है। अब इसमें जो सेमेस्टर फीस है वो 40,000 है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेमेस्टर वन में 40,000 लगेगा अगर हम एमबीए की बात, यहाँ पे क्योंकि एमबीए के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हम सिर्फ एमबीए को कवर कर रहे हैं, बीबीए को नहीं कवर कर रहे हैं। तो जब आप फुल फी जो आपका है 1,40,000 वो अगर आप पे करोगे इंस्टॉलमेंट में, तो आपको 3 महीने का 9% लगेगा, यानी 50,939.33। एंड अगर सेमेस्टर वाइज आप कर रहे हो, सेमेस्टर का फी 3 महीने में कर रहे हो, वो आपका पड़ेगा 14,533 का। तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा टोटल फुल फी पे वो बन जाएगा 12,618 का, एंड सेमेस्टर फी पे आपका 3,600 का बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आपका फिर 6 मंथ का अगर आप लेते हो तो वो 6.5% आपको देगा, तो उसमें आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो इतना बन जाएगा जो आपका मेंशनड है। अगर आप 8 महीने का लेते हो तो उसमें आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो मेंशनड है। अगर आप 10 महीने का लोन लेते हो, लाइक 10 महीने के लिए ईएमआई भरोगे, तो उसमें आपका 14,650 रुपया हो जाएगा। अगर आप 12 महीने में ईएमआई भरोगे तो उसमें आपका 12,150 हो जाएगा, और अगर आप 15 महीने ईएमआई भरोगे तो उसमें आपका 4.5% यानी कि 9,767.27 रुपीज आपका टोटल इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, सॉरी टोटल अमाउंट लगेगा जो इंटरेस्ट मिला के आपका 6,309 हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट तो हमारा कवर हो गया। अब लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके रिगार्डिंग अगेन मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई थी, कमेंट्स आए थे कि इसका जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो कैसा होगा। तो सैंपल सर्टिफिकेट भी हम यहाँ पे अभी पोस्ट कर देंगे जिसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो सैंपल सर्टिफिकेट है उसमें क्या मेंशन रहेगा। तो अगर हम सैंपल सर्टिफिकेट की बात करें तो अभी आपको साइड में स्क्रीन पर दिख रहा होगा सैंपल सर्टिफिकेट। हाँ, तो इसमें आपका मेंशनड है कि जो भी आपका कॉलेज का नाम है डीपीयू डॉक्टर डीवाई पाटिल विद्यापीठ पुणे इंडिया डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, सेक्शंस वगैरह मेंशनड है। और इसमें क्लियरली मेंशनड है वी द चांसलर द प्रो चांसलर एंड द वाइस चांसलर द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड द एकेडमिक काउंसिल ऑफ डॉक्टर डीवाई पाटिल विद्यापीठ सेंटर फॉर ऑनलाइन लर्निंग पुणे सर्टिफाई दैट Mr. Hemant Sharma have been examined and found duly qualified for the degree of Masters of Business Administration Marketing Management, जो भी आपका specialization होगा वो bracket में mentioned होगा, and has secured A grade, जो भी आपका grade होगा वो भी mentioned होगा। तो the said degree has been conferred on his at the 6th convocation held on 25th June 2015। तो जब भी कभी ये आपका है वो आपको mentioned हो जाएगा, and the testimony where it is said to be a university। तो एक जगह पे यहाँ पे आपको mention रहेगा center for online learning, जो कि second line में आपको देखने को मिल जाएगा कि center for online learning। तो वहां से आपको clear हो ही जाएगा कि like लोग clear हो जाएगा कि जो certificate है उसमें online learning mentioned है। ठीक है, एंड उसके अलावा भी मैं आपको एक चीज बता दूं कि सिंस ये मेंशन भी रहेगा, बट जब से कोविड आया है ना तब से यूजीसी का ये गाइडलाइन आ चुका है कि ऑनलाइन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रोग्राम को सेम मान्यता दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत सारे क्या, आई थिंक ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज जो थे वो ऑनलाइन चल रहे थे,
तो उसके वजह से ऑनलाइन प्रोग्राम हुआ, ऑनलाइन पढ़ाई हुई, ऑनलाइन एग्जाम्स हुए। तो यहाँ पे भी उसके बाद से ये गाइडलाइन आ चुका है, रूल आ चुका है कि जब भी कोई ऑनलाइन डिग्री हो या कोई ऑफलाइन डिग्री हो, दोनों को सेम मान्यता दी जाएगी। तो इसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसमें मेंशन है तो वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग बिल्कुल जा सकते हो, फ्री हो, बिकॉज हम भी कर रहे हैं, तो हम आप लोग को इस चीज का एश्योरिटी दे सकते हैं कि सेम मान्यता है, सेम इम्पोर्टेंस है दोनों ही प्रोग्राम का। तो फर्दर आप लोग खुद से भी डिसाइड करो कि क्या आप लोग को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस प्रोग्राम में एनरोल होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। एंड अगर आपको लगता है कि आपको इस प्रोग्राम में एनरोल होना चाहिए, तो अभी नेक्स्ट भी आने वाले बहुत सारे वीडियोस हैं। या अगर आपको ये भी लगता है कि नहीं भी होना चाहिए, बट स्टिल कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इसमें बहुत सारे बेनिफिशियल पॉइंट्स हैं, उनको भी हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वो सारे वीडियोस भी देख के, वो सारे टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस देख के आप लोगों को और ज्यादा बेटर आइडिया लग जाएगा कि क्या आपको इसमें एनरोल करना चाहिए या नहीं। सो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में कि किस तरीके से इसमें एग्जाम लिया जाता है। और उसके अलावा भी गाइज, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है इस प्रोग्राम से रिलेटेड, कुछ भी क्वेरी है, आप लोग फील फ्री करो, जो भी डाउट्स है उसको हम यहाँ है बैठे हुए इस टेडी बियर के साथ, आप सबके साथ, आपका क्वेरी जो है उसको सॉल्व करने के लिए एंड आपको उन क्वेरीज का आंसर देने के लिए। सो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।